हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर बनाएंगे मिश्र समानुपात से ही रिलेटेड प्रश्न, यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन का हम लोग का भी सीरीज भी चल रहा है। ले चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर ही चलते हैं। जो पार्ट थ्री में आपको दो क्वेश्चन हम लोग टेस्ट के लिए दिए थे आपको, उसको आप जो लोग सही लोग बनाए अच्छा है, जो लोग जिन लोगों से नहीं बना वो देखेंगे समझेंगे और बारीकी से समझना है क्वेश्चन को। वैसे इस क्वेश्चन को कल भी हम बताए थे कि इसको टाइम एंड वर्क में इस टाइप के आप क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। थोड़ा चेंजिंग था कि तीन गुना वाला नहीं बनाए थे, चलिए कोई बात नहीं, समझ लीजिए। यहाँ भी अगर बना सकते हैं इस तरीका से तो कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पर दो तो 2m प्लस कितना, दो आदमी तथा सात लड़के, तो सात लड़के इस तरह से कितना दिन में करता है, तो 14 दिन में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, जबकि तीन आदमी प्लस कितना लड़का, आठ लड़का, इसको कितना दिन में ही कर लेता है, 11 दिन। अब देखिए कर दीजिए, कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो 14 दुना कितना चलाएगा, 28 दिन, समझते चलना है। 14 से कितना हो जाएगा, 98 भी, ठीक है। इसको गुना कर लीजिएगा तो 11 3 33 सेम, 11 8 कितना हो जाएगा, 88। इसको इस तरफ ला दीजिए या इसको इस तरफ, तो अगर हम लोग इसको इस तरफ कर देते हैं, ठीक है, किसको, बी के इस तरफ लाते हैं, एम को उस तरफ, ठीक है। तो बी वाला एक तरफ अगर कीजिएगा तो 88 इस तरफ आएगा, तो माइनस हो जाएगा, आप जानते हैं, तो 98 में से 88 तो 10 कितना आ जाएगा, बी, समझ रहे हैं। इसको इस तरफ एम वाला के लेके चल जाएंगे तो कितना चलाएगा, 5m, ठीक है। कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो 2 ही कैंसिल हो जाएगा, यानी b बाई एम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, 2, समझ रहे होंगे। यानी कि इसका क्षमता क्या हो गया, दोगुना है बच्चा के क्षमता से, लड़के के क्षमता से, ठीक है। आगे चलिए, अब दोनों के वैल्यू हम लोग खाली सिर्फ पुट कर देना है, जिसमें पुट कर दीजिए इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, या इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए इसमें अगर करते हैं तो 2m है, प्लस कितना दे दिया गया है, 7b दे दिया गया है, कितना दिन में कर देता है, तो 14 दिन में, ठीक है। अब यहाँ आगे पढ़िए, 8 आदमी तथा 6 लड़के इससे तिगुने, तो 8 आदमी 8m प्लस कितना लड़के, 6 लड़के, कितना दिन में, तो यहाँ ले लेना है x, और कितना काम करता है, तिगुना, तो यहाँ कितना रहता है, 1, ठीक है। इसका क्या होगा, ये तिगुना होगा, समझ रहे होंगे। अब वैल्यू खाली से पुट कर दीजिए, तो m इक्वल टू कितना है, 2, तो 2 दुना कितना हो जाएगा, 4, b इक्वल टू कितना है, 1, तो हो जाएगा 7। वैल्यू रख देना है, समझिएगा, यहाँ पर 2 रख दिए, m के जगह पर कितना रखेंगे, 2, तो 2 दुना 4, b के जगह पर यहाँ कितना रखेंगे, 7, तो 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7, तो 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11, 11 गुने कितना आप कर लीजिएगा, 14, ठीक है। इसी तरह से आगे भी देखिए, तो आगे m के वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दुना 16, 16 6 कितना हो जाएगा, 22, 22 गुने x बटा कितना लिखिएगा, 3, समझ रहे हैं, आसानी से आप बना सकते हैं। इसको अगर कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना बार में हो जाएगा, 2 बार में, ठीक है, 11 दुना 22। अगर इससे भी इसको अगर कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 7, यानी x इक्वल टू कितना चलाएगा, 21, कितना दिन में काम समाप्त होगा, तिगुना, तो 8 आदमी और 6 लड़के इसको काम को कितने, तिगुने काम को कितने दिन में कर लेंगे, 21 दिन में, ठीक है, समझ गए होंगे। सेम इसी पैटर्न से ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, समझ गए होंगे आप। अगर आप नहीं समझते हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि कहाँ पे नहीं समझ में आया, ठीक है, इससे हमको भी पता चलेगा और अच्छा से समझाने के लिए आपको कोशिश करेंगे। चलिए इसका आप देख लिए होंगे, कॉपी पे नोट डाउन कर दिए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं जैसे इसको बनाए हैं, ठीक है। चलिए, बहुत से लोग बनाए, जिन लोग से नहीं बना वो देखेंगे, बस वही कंडीशन, 8 आदमी तथा 6 महिलाएं, बस ले लीजिए 4 आदमी है, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं, तो 4 आदमी ले लीजिए और 6 क्या करना है, महिलाएं, ठीक है, कितना दिन में करती हैं, तो 8 दिन में लोग कर लेते हैं। आगे पढ़े, पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं, 3 आदमी प्लस कितना महिला, तो 7 महिला, यानी 7 ओमेन, कितने दिन में इस कार्य को, कितने दिन में, 10 दिन में, तो इनटू कर लीजिए 10। यहाँ से सबसे पहले क्या आपको निकालना होगा, क्षमता निकालना होगा, तो यहाँ भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ 4, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 5, ठीक है, इसको इनटू कर दीजिए तो कितना चलाएगा, 16 हो जाएगा ना, 4 को कितना होगा, 16 प्लस कितना हो जाएगा, 24 डब्लू, समझते चलना है। इसको कीजिएगा तो 15m, इधर कीजिएगा तो कितना फिर हो जाएगा, 35w। अब m वाला की इस बार इस तरफ करेंगे तो 16 में से 15 ही पट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा क्या, m।
अगर इस तरफ से इसको अगर लेके चल जाते हैं 24 के, तो 35 में से अगर 24 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 डब्ल्यू, यानी एम बाई डब्ल्यू कर देना है, 11 बटा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, समझ गए। अब कोई भी वैल्यू आप पुट करके रख लीजिए, इधर रख लीजिए या उधर, इसमें या उसमें। अगर इसमें भी हम लोग रख के, इसमें पिछले बार में उस तरफ बनाए थे हम लोग लेफ्ट, इस बार राइट में हम लोग रखते हैं, तो कितना है 3m है, समझ लीजिएगा 7 डब्ल्यू है। कितना दिन में करता है? 10 दिन में, समझ रहे हैं। तो आगे इसमें पूछा गया था 10 महिला है, इसे कितने दिन में पूरा करेगी, किसके कितना के बारे में कहा गया है, सिर्फ 10 महिला, तो यहाँ कोई कंबाइंड नहीं है। 10 ओमेन कितने दिन में, एम के जगह पर हम लोग डी टू के जगह पर क्या ले लिए, एक्स। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, तो एम के वैल्यू कितना है 3, 11 तिया कितना हो जाएगा 33, और 7 में अगर एक से गुना कीजिएगा तो 7, तो 33 और 7 कितना हो जाएगा 40, यहाँ 40 गुने कर देते हैं हम, कितना 10। आगे देखिए, इसका यहाँ वैल्यू डब्ल्यू के कितना है 1 है, तो 10 ही रह जाएगा, 10 गुने एक्स। ठीक है, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो एक्स इक्वल टू कितना दिन चलाया, एक्स इक्वल टू कितना दिन आया, तो 40 दिन। आंसर क्या हम लोग के चलाएगा, बी नंबर। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अभी बने रहिए मेरे साथ, और आगे हम लोग इसका जो टाइप बचा हुआ है उसको देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय कर लेता है, यदि वह अपनी चाल दुगना कर दे और दुगना आराम करे तो दुगनी दूरी तय करने में उसे कितने दिन लगेंगे। आसानी से बना सकते हैं, चलिए क्वेश्चन पे ही चलते हैं हम लोग, डायरेक्ट पढ़ लिए। एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना आराम करता है 9 घंटा, तो एक दिन में कितना घंटा होता है 24 दिन, तो 24 में से अगर 9 माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 15, यानी कि 15 घंटा वो क्या करेगा, डेली काम करेगा। ठीक है, 40 दिनों में। आगे देखते हैं, यदि वह अपनी चाल दुगुना कर दे, यानी कि पहले चाल वही पर बैठना है, चाल यानी पहला व्यक्ति के, अगर कोई व्यक्ति है एक ही व्यक्ति है, चाल यानी उसका इफिशियंसी से इसमें बताना है, तो पाला के चाल है एक, कितना घंटा काम करेगा वो 15। समझना है बारीकी से क्वेश्चन को, कितना दिनों तक, तो 40 दिन तक। ठीक है, 40 हम लोग MDHO जो पर उसी पर हम लोग सेट कर रहे हैं, यहाँ चाल जो है स्पीड से ही हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, यानी इसका पहले कितना चाल है 1 है। ठीक है, 1 है तो कितना 24 घंटा में 9 घंटा आराम करता है, तो काम कितना घंटा करेगा वो 15 घंटा, कितना दिनों तक 40 दिनों तक। आगे पढ़ते हैं, यदि वह अपनी चाल दुगुना कर दे, पहले चाल कितना था 1 था, अब कितना चाल हो गया 2, दुगुना कर दे और दुगना आराम करे, तो दुगना आराम करे तो समझिएगा, यानी कि पहले कितना 9 घंटा आराम करता था, अब कितना का आराम करेगा 18 घंटा। समझ रहे हैं ना, 18 घंटा दुगना आराम करा, यानी 18 घंटा जब आराम करेगा तो काम कितना घंटा करेगा, 6 घंटा करेगा। ठीक है, 6 घंटा ये लीजिए, 6 कितना दिन में, तो x। अब देखिए दूरी, और दुगनी दूरी तय करे, यानी दूरी जो आएगा तो किसके अंतर्गत आएगा, काम के अंतर्गत आएगा, तो W1 में कितना है 1 आई, तक फिर क्या करता है, जब अपना चाल के जब दुगना कर देता है, दुगना आराम करता है, तो पर भी वो कितना दूरी तय करता है, दुगना दूरी का तय करता है। यहाँ अगर डी भी लीजिएगा तो यहाँ 2D लिख कर दीजिएगा, DD क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो देखिए तो इसको इससे कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, अगर इसको करते हैं हम लोग 3 से तो 2 बार में, इसको 3 से कीजिएगा तो 5 बार में, इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में 20, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 100। ठीक है, यानी कितना दिन में करेगा 100 दिन में। एक बार फिर समझ लीजिए बारीकी से क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय कर लेता है। ठीक है, कोई निश्चित दूरी है, दूरी के बारे में नहीं बताया था, दूरी हम लोग वही क्या लिए थे, आगे हम लोग जब पढ़े तो पता चला कि क्या कर देता है वो दूरी को, दुगना दूरी तय करता है ना, दुगनी दूरी तय करने में, तो दूरी पहले 1 था, फिर कितना दूरी, दूरी किसके अंतर्गत चलाएगा, वर्क के अंतर्गत रहेगा, काम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो 1 ले लिए वही यहाँ, और 9 घंटा क्या करता है, काम आराम करता है, तो काम कितना घंटा वो करेगा, यानी चलेगा कितना घंटा, 15 घंटा, वही ले लिए यहाँ 15 घंटा, कितना दिन तक, तो 40 दिन तक। सेकेंड कंडीशन में क्या है, कहता है यदि वह अपनी चाल दुगना कर देता, पहले चाल उस आदमी का कितना था 1 था, अब चाल क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है,
चाल दो कर दिया, और फिर कहता है दुगनी कर दे और दुगना आराम करे, यानी दुगना आराम करे, पहले 9 घंटा करता था आराम, तो अब कितना करेगा आराम, 18 घंटा। तो 24 में से 18 माइनस कर दिए, 6 ले ली, तो उसे दूरी को तय करने में उसे कितने तय, कितना ले, एक से ले लिया, दुगना दूरी था, अब यही कैंसिल आउट करता है, पीटी कर दिया हम लोग के, कितना दिन चलाएगा, 100 दिन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अगर आप नहीं समझते तो कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। यदि एक आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य, ठीक है, x दिन में समाप्त करे, तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे। समझ गए होंगे, वही बैठाना है हम लोग के जो हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर लिख देते हैं, एम वन डी वन एच वन बाई डब्लू वन, क्या कीजिएगा आगे, एम टू डी टू एच टू बाई डब्लू टू, बड़ा दिन से आप ही जान गए। अब एक्स आदमी है, आदमी के जगह पर एक्स ले लेते हैं, एक्स घंटे है, ठीक है, और फिर कितना है, एक्स घंटे है, तो एक्स घंटे दे लेते हैं यहाँ, एक्स घंटे, फिर देखा कार्य दिया है, एक्स इकाई कार्य यानी यूनिट, एक्स यूनिट तो कहाँ चलाएगा, नीचे, कितना दिन में, तो एक्स दिन में, इनटू कर लेते हैं दिन, यहाँ डी और एक्स ही, उससे कन्फ्यूज नहीं होना, इनटू करेंगे वही आएगा, आगे पढ़िए। तो वाई आदमी वाई घंटे, वाई आदमी वाई घंटे वाई दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे, यानी कि वाई ले लेना है, ठीक है, वाई अगर इसको ले लेते हैं तो नीचे भी कितना हो जाएगा, डब्लू टू निकालना है, इसमें क्या निकालना है हम लोग के, डब्लू टू। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, अब जानते हैं कि इससे एक बार एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, इसे आप समझ रहे होंगे कि क्या आएगा, इसको इनटू कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, डब्लू टू इनटू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको कीजिएगा तो कितना चलाएगा, एक्स क्यू, ठीक है, अभी नीचे चलाएगा, तो डब्लू टू निकालना है तो कितना हो जाएगा, एक्स के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगा ना, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में, कौन सा ऑप्शन है, डिवाइड में चलाएगा, तो आंसर क्या हम लोग क्या चलाएगा, डी नंबर। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, अगर आप नहीं समझते हैं तो कमेंट करके जरूर बताया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं हम लोग, चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए। भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की दूर बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित किया गया है, इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है, नीचे आपका स्केल दे दिया गया है, लेकिन आप समझिएगा इसको क्वेश्चन के बनाने के लिए, यहाँ क्या है किलोमीटर में है, यहाँ क्या है सेंटीमीटर, थोड़ा समझ लीजिए, आप जानते होंगे पहले से, लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे उन लोगों के लिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो आप जानते हैं कि एक किलोमीटर में 1000 मीटर, इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर होगा, ये आप पहले से भी जान रहे हैं, बस ये इतना जान रहे हैं, इसी से हम लोग क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। चलिए तो सबसे कितना 1400 कितना दे दिया है, 50 किलोमीटर, यहाँ क्या हमें सेंटीमीटर और रेशियो में दिया है, ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपको चेंज करना होगा, किस में चेंज कीजिएगा, तो मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए कितना से गुना कर दीजिएगा, 1000 से, मीटर से फिर क्या हमें चेंज करना है, क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में आपको चेंज करना होगा, तो सेंटी फिर कितना से गुना कीजिएगा, 100 से, कितना सेंटीमीटर दे दिया है, 5, ठीक है। अब देखिए 5 से हम लोग इसको भी कैंसिल आउट कर सकते थे, इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीका से हम लोग के ऑप्शन नहीं, यानी इससे अगर इसको अगर आप कैंसिल आउट कर देते हैं तो कैंसिल आउट तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, फिर आ जाएगा कितना चलाएगा, यहाँ आ जाएगा 45, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45, यानी इतना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 29 गुने लिख सकते हैं 10, ठीक है, 1000 गुने 100 और इसको लिख सकते हैं 1, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, अब लिख सकते हैं आप 29 और 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2, 3, 5 और एक कितना, 6, 10 के पावर 6 और यही चलाएगा आंसर, ठीक है। तो कौन सा, इसी को इस तरीका से लिखा है या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना होगा 29 और 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6, हम लोग के चलाएगा कितना, 1 है,
ठीक है, इस तरीका से आपको लिखा गया है। आंसर क्या चलाएगा हम लोग का? डी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। चलिए देखिए इस दोनों क्वेश्चन को, आप दोनों आप देखते हैं समझ गए होंगे, होमवर्क का आपका क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया तथा उसने 140 आदमी काम पर लगाए। 60 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल कार्य का 1/4 भाग पूरा किया गया है। वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति यानी एक्स्ट्रा मैन काम पर लगाए कि पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। आपका ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। जस्ट लाइक इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, इस टाइप के आज बनाए हैं आप क्वेश्चन। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है। यदि वह दुगना आराम करे, दुगना तेज चले, तब वह दुगनी दूरी कितने दिन में तय करेगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाए हैं। ऑप्शन भी आपको दिया गया है, 12/1/2, 125, 250, ठीक है। कि दोनों क्वेश्चन को इससे भी रिलेटेड इस क्वेश्चन को भी आप बना लिए हैं, ठीक है। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं। आशा करेंगे कि इस बार सभी लोग, जितना लोग जो भी वीडियो देखता है, ठीक है, सभी लोग आप इस दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जरूर कॉमेंट करेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ फिर हम लोग नेक्स्ट अभी जो भी बचा हुआ है टाइप उसको भी हम लोग देखेंगे।